7 में आपका स्वागत है। और आज मैं बता रही हूँ डिप गले का ब्लाउज, सादा ब्लाउज ही बताऊंगी लेकिन डिप गले में हमको क्या क्या फर्क करना पड़ता है, तीरे में क्या करना पड़ता है और गले में क्या करना पड़ता है और मुड्ढा लंबाई में क्या करना पड़ता है। जिसका नाप देखो मैंने इस तरह से लिया है, छाती 36 ली है, जिसका तीरा 14 है, स्टेप नाप 10 है और कमर 31 है, तो हम इस हिसाब से आज ड्राफ्ट बनाएंगे। आज मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने ये निशान पहले ही लगा दिए हैं। कपड़े की जो चौड़ाई लेनी है हमको उसी हिसाब से लेनी है, छाती का 1/4 प्लस 1.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक जो कपड़े की चौड़ाई ली है छाती का 1/4 प्लस 1.5 इंच और लंबाई लंबाई के बराबर। अब इसमें क्या करना होता है, अगर आप सारा डिपेंड होता है बैक के गले से इसका, अगर बैक का वाला गला आप डिप लेते हैं तो हमको कंधों में कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसमें हमने तीरा 14 इंच रखा है और आप गला ले रहे हैं 7 इंच तक बैक का, तो बैक का गला 7 इंच तक, उसकी कम से कम चौड़ाई आप 2.5 इंच से ज़्यादा ना रखें पहला, और तीरा उसका 2 इंच कम मान कर चले। जैसे हमारा तीरा फुल 14 है तो उसको 12 मान कर चलोगे आप, तब उसका ड्राफ्ट 12 के हिसाब से ड्राफ्ट लगाओगे, तो 12 के हिसाब से हमारा ये तीरा हो गया तीरे का 1/2 प्लस 1.25 इंच। फिर मुड्ढा लंबाई भी 1.25 इंच लो इसमें। आप बोलोगे उसमें 7 इंच से ज़्यादा नहीं बताई थी, इसमें तो 7.5 आ रहा है नाप में, नहीं, इसके अंदर बस यही डिफरेंट है कि जितना ये लोगे आप उतना ही ये लोगे। और बाय चांस मान लो आप गला इससे भी ज़्यादा डिप करना चाहते हो तो कंधे में 1/4 इंच, 1-1 इंच के बाद 1/4 इंच इधर कम करते चले जाओ और 1/4 इंच इधर मुड्ढा लंबाई में कम करते चले जाओ, जब आपके ब्लाउज की फिटिंग सही आएगी बिल्कुल। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने के लिए है, कुछ भी नहीं है सिलाई में, बहुत आसान है सिलाई सीखना। सिर्फ इतना है अगर 7 इंच से ज़्यादा गला बनाते हो आप, 1 इंच के ऊपर 1/4 इंच ये इधर से कम करते जाओ और इधर से मुड्ढा लंबाई भी कम करते जाओ। अगर आप मुड्ढा लंबाई भी उतनी रखोगे इधर से कम करते जाओगे तो क्या होगा, मुड्ढा हमारा बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और वो लटकेगा। और गले की चौड़ाई अगर आप बढ़ाना चाहते हैं चौड़ाई, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ हमने 2.5 इंच लिया है तो यहाँ हम 3 इंच तक चौड़ाई ऐसे कर सकते हैं इसकी, लेकिन ऊपर से वो उतना ही रहेगा। या तो छाती का 12वां हिस्सा लो आप, नहीं तो 2.5 इंच से ज़्यादा मत लो किसी में भी, चाहे वो 40 छाती हो उसमें भी 2.5 इंच रखो या 2.25 इंच रखो, इतना ही गले की चौड़ाई रखो, क्योंकि गला फैलता है बड़ा गला जो होता है, और बड़ा गला फैलने पर फिर कंधे लटकते हैं। और इधर मुड्ढे का ढलान हमने पिछली बार यहाँ से दिया था कंधे की तरफ से, डिप गले के अंदर 1/4 इंच का ढलान हम यहाँ से देंगे। देखो 1/4 इंच तो हमारा ये कम हो गया, तो हमको मुड्ढा लंबाई वैसे ही कम लेनी है इसके अंदर, और ये इधर से गले की तरफ से शेप देना है, तो मुड्ढा लंबाई हमारी पूरी की पूरी रहेगी, इसमें कुछ भी कम नहीं करो। प्लेट का निशान वैसे ही लगेगा बैक में, स्टेप नाप 1/-1/2 इंच और चौड़ाई भी उतनी रहेगी, कमर पे 1/2 इंच का नाप रहेगा, सिर्फ गले में और मुड्ढों में फर्क आएगा इसका और तीरे में। ये डिप गले का है, ऐसे ही आगे का गला जो हम लेते हैं, ये आगे का भाग ले लिया, ये बैक का था, ये आगे का है। आगे के भाग में भी ऐसे 6 और 6.5 इंच से ज़्यादा गला लंबाई नहीं रखते। 6.5 मैंने कैसे नापा, तिरछा नहीं नापा, सीधा नापा, ये मैं सीधा नापती हूँ। 6.5 इंच से ज़्यादा गला लंबाई नहीं लेनी है। बाय चांस मान लो किसी की स्टेप नाप बहुत ज़्यादा है, उसमें आप 7 इंच तक रख सकते हो, वरना 6 और 6.5 से ज़्यादा नहीं रखो। फिर यही, इसमें हमने 3 हिस्से करके 1/4 इंच का यहाँ बाहर का शेप दिया था, इसमें अब क्या हो गया, हमने तीरा 2 इंच कम कर दिया, 12 इंच पे आ गया है, तो 2 इंच पीछे हमारा, मतलब 1 इंच पीछे हमारा वैसे ही खिसक गया है ये, तो इसकी जो ये गोलाई देंगे ये बहुत मामूली सी देंगे, 1/4 इंच की नहीं देंगे, बहुत जरा सी लाइन के साथ साथ ही देनी है, और 1/4 इंच का ढलान हम गले की तरफ से ही देंगे, ना कि कंधे की तरफ से। अगर ये गले की तरफ से नहीं देंगे तो गला हमारा ऊपर की तरफ उठेगा कंधों से, वो अच्छा नहीं लगता है, उठ उठ के जाएगा, गला लटकेगा, तो वो सही फिटिंग नहीं जाती है।
और ये 36 में हमने लिया था गले की ओर से 3.5 इंच ये चौड़ाई टक्स की चौड़ाई, अब लेंगे 4 इंच की चौड़ाई। अगर ऐसे समझ में नहीं आता किसमें कितना रखना है आपको, तो ये करते जाए कि डॉट टू डॉट नाप ले लो आप और सिलाई का छोड़ के उसका आधा कर दो, ये टक्स का निशान डालेगा ऐसे। तो टक्स हमारा जो मेन टक्स है ये गले की तरफ से 4 इंच छोड़कर फिर डालेगा, जैसे जैसे नाप बढ़ते जाएंगे तो 4, 4.5, 4, 4.5 तक भी डलता, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं जो तो 4.5 पे भी डलता है, लेकिन अभी ये 4 पे डलेगा। और ये प्लेटें वैसे ही जाएंगी, ये लंबाई जो स्टेप नाप प्लस आधा इंच, और ये लंबाई जो रहेगी हमारी 2.5 इंच की रहेगी, और 1.5 इंच का टक्स रहेगा, पूरा 1.25 इंच इधर 1.25 इंच इधर, और पूरा ये सीधा निशान लगेगा 2.5 इंच पे जो बचता है उसको पेंसिल नुमा दे देंगे, बाकी टक्स वैसे ही पड़ेंगे जैसे पहले में बताया है। ये टक्स भी ऐसे ही जाएगा साइड का भी, ये सिर्फ मैंने आपको ये मुड्डे का दिखाना था इसलिए दिखाया था। और मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, आई बटन को प्रेस करें, आस्तीन का सेम रहेगा ड्राफ्ट किसी भी ब्लाउज में। और आप लोगों को सीखना चाहते हो, पसंद आता है मेरा काम, जो आप पूछोगे मैं बताऊंगी, मुझे आपको सीखने का शौक है तो जो आप पूछोगे मैं सिखाऊंगी बताऊंगी आप लोगों को। अगर मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। आज मैंने ड्राफ्ट पहले इसलिए लगा लिया था ताकि आपको बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना देखनी पड़े। तो ये बता देती हूँ एक बार फिर, कपड़ा की चौड़ाई छाती का चौथा प्लस 1.5 इंच लेंगे, चाहे कितनी भी छाती हो। आज 36 है तो 36 का हो गया 9 इंच, 9 में प्लस 1.5 इंच, ये 10.5 इंच की चौड़ाई ली है। कल था 32 इंच का तो 8 प्लस 1.5, 9.5 चौड़ाई ली थी। हर ब्लाउज का यही नाप रहेगा, चाहे कितनी भी छाती हो, 40 हो, 42 हो, 38 हो, कोई भी हो, कपड़े की चौड़ाई हमको इसी टाइप से रखनी है, छाती का चौथा प्लस 1.5 इंच। और प्लीज़ मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें, और जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं।